हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्कंद षष्ठी के बारे में जानेंगे। आषाढ़ माह के स्कंद षष्ठी व्रत 4 जुलाई सोमवार को है। हर माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाता है। इस दिन स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। स्कंद षष्ठी व्रत को संतान षष्ठी भी कहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार स्कंद षष्ठी व्रत का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से संतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है। संतान का जीवन अगर कष्ट में है तो वो सुख में होता है। इस व्रत को आप चैत्र, अश्विन और कार्तिक माह से शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ये व्रत शुरू करना चाहते हैं स्कंद षष्ठी का, तो चैत्र, अश्विन और कार्तिक माह से शुरू करना चाहिए। तो ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्कंद षष्ठी व्रत की पूजा और व्रत करने से संतान को सुख और आरोग्य प्राप्त होता है। स्कंद षष्ठी व्रत की कथा के अनुसार चमन ऋषि के आँखों की रोशनी चली गई थी, तो उन्होंने यह व्रत रखा था और स्कंद कुमार की पूजा की थी। व्रत के पुण्य प्रभाव से उनकी आँखों की रोशनी वापस आ गई थी। और दूसरी कथा के अनुसार ये है कि प्रिय व्रत का जो मृत बच्चा था वो दोबारा जीवित हो उठा था। तो आज हम जानेंगे स्कंद षष्ठी व्रत कब है, स्कंद षष्ठी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्कंद षष्ठी व्रत का महत्व कि ये व्रत क्यों किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर महीने आने वाली शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है। इस बार ये 4 जुलाई को है, कहीं कहीं पर ये 5 जुलाई मंगलवार को भी ये व्रत रखा जाएगा। यह व्रत संतान की प्रगति, सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव जी के सबसे बड़े बेटे कार्तिकेय की पूजा की जाती है। ये महिलाओं द्वारा ये व्रत किया जाता है। महादेव के तेज से उत्पन्न बालक कार्तिकेय का नाम स्कंद कुमार है, इसलिए इसे स्कंद षष्ठी भी, इस व्रत को स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं स्कंद षष्ठी व्रत की तिथि। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का प्रारंभ 4 जुलाई सोमवार को शाम को 6:32 से हो रहा है और ये तिथि 5 जुलाई मंगलवार को शाम के 7:28 पर समाप्त होगी। शाम के समय पूजा का मुहूर्त होगा 4 जुलाई को। ऐसे में इस दिन यानी कि 4 जुलाई को भी व्रत रख सकते हैं। और इस माह के जो स्कंद षष्ठी का जो व्रत है, इसकी तिथि 2 दिन है, 4 को भी है और 5 को भी है। इस माह के स्कंद षष्ठी व्रत के दिन सिद्धि योग और रवि योग बना रहेगा। सिद्धि योग प्रातःकाल से लेकर के दोपहर के 12:22 तक है और वहीं रवि योग प्रातःकाल 8:44 से अगले दिन यानी कि 5 जुलाई को प्रातःकाल 5:28 तक है। रवि योग और सिद्धि योग मांगलिक कार्यों के लिए अच्छे होते हैं। सिद्धि योग कार्यों में सफलता की जो संभावनाएं हैं वो अधिक होती हैं। इस दिन राहु काल सुबह 7:12 से सुबह के 8:57 तक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि राहु काल में मांगलिक कार्य ना करें। दोस्तों, जो स्कंद षष्ठी का व्रत है वो अधिकतर दक्षिण भारत में इसका
अधिक प्रचलन है। दक्षिण भारत में लोग इस तिथि को एक उत्सव के रूप में बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन संसार में हो रहे कुकर्मों को समाप्त करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान के कष्ट कम होने के साथ साथ आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय की आराधना की जाती है। भगवान स्कंद को मुरुगन, कार्तिकेयन, सुब्रमण्या के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं स्कंद षष्ठी का महत्व। दोस्तों, यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के जो पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र स्कंद हैं, कार्तिकेय जी हैं, उनको स्कंद भी कहते हैं, तो उनको समर्पित होने के कारण स्कंद षष्ठी के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे गणेश जी के लिए महीने की चतुर्थी के दिन पूजा अर्चना की जाती है, उसी प्रकार उनके बड़े भाई कार्तिकेय या स्कंद के लिए महीने की षष्ठी तिथि की षष्ठी के दिन उपवास किया जाता है। उत्तर भारत में भी कार्तिकेय को गणेश जी का बड़ा भाई माना जाता है, यानी कि पूरे भारतवर्ष में स्कंद षष्ठी का व्रत किया जाता है और उत्तर भारत में कार्तिकेय को गणेश जी का बड़ा भाई माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में कार्तिकेय गणेश जी के छोटे भाई माने जाते हैं। इसलिए हर महीने की षष्ठी को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। षष्ठी तिथि कार्तिकेय जी के होने के कारण इसे कौमारिकी भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि स्कंद षष्ठी पर क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, इस दिन दान आदि कार्य करने से विशेष लाभ मिलता है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। स्कंद देव की स्थापना करके अखंड दीपक जलाए जाते हैं। कार्तिकेय भगवान को स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाकर पूजा की जाती है। इस दिन भगवान को भोग लगाया जाता है। स्कंद षष्ठी पूजन में तामसिक भोजन, मांस मदिरा, शराब और प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान कार्तिकेय पर दही में सिंदूर मिलाकर चढ़ाने से बिजनेस में, व्यवसाय में आ रहे व्यवसायिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। इस दिन पूरे श्रद्धा से, मन से भगवान कार्तिकेय का पूजन करने से अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं स्कंद षष्ठी की पूजा विधि। दोस्तों, स्कंद षष्ठी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब कार्तिकेय भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। इनके साथ ही शंकर और पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। इसके बाद कार्तिकेय जी के सामने कलश स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी की वंदना करें और संभव हो तो अखंड ज्योत जलाएं। इसके बाद भगवान कार्तिकेय पर जल अर्पित करें और नए वस्त्र अर्पित करें और पुष्प या फूलों की माला भी अर्पित करके फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। ये थे स्कंद षष्ठी की पूजा विधि। दोस्तों, भगवान शिव के तेज से उत्पन्न बालक के, यानी कि स्कंद कुमार के 6 मुख थे और इनका नाम स्कंद भी है और इनकी पूजा करने से संतान संबंधी समस्या का निवारण होता है और जिनको संतान की चाहत है, संतान के जो इच्छुक हैं, वो भी इस व्रत को जरूर करें। संतान की उन्नति के लिए ये व्रत रखा जाता है और यह व्रत दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद षष्ठी का व्रत करने वाले को लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार से मुक्ति मिल जाती है और धन, यश, वैभव में वृद्धि होती है। शारीरिक कष्टों और रोगों से भी छुटकारा मिलता है। भगवान कार्तिकेय को स्कंद कुमार, सुब्रमण्यम और मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। देव सेनापति कार्तिक देव की जय।